गोंडा आंख के अंधे नाम नयनसु की कहावत जिला संयुक्त अस्पताल पर सही साबित हो रही है, जहां पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के यंत्र, मशीन, बेड, लेंस सहित अन्य जरूरत की चीजें मौजूद हैं, लेकिन आंख सर्जन न होने से यहां पर 20 शैया नेत्र वार्ड के आंख अस्पताल में ताला लगा हुआ है। इससे 2000 आंख के मरीज सर्जन की बाट जोहने को मजबूर हैं। ये हाल शासन द्वारा हुए आंख सर्जन के तबादलों से हुआ है, जिसमें यहां पर तैनात 2 सर्जन हटा दिए गए। इनके स्थान पर किसी की तैनाती 5वां बाद भी नहीं हो पाई। बाबू ईश्वर चरण सिंह जिला अस्पताल में वर्ष 1998-20 बेड के नेत्र वार्ड की स्थापना तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री ने की थी। इसके बाद यहां पर 4 सर्जन की तैनाती हुई। यहां पर तैनात 1 सर्जन डॉक्टर सेठी का निधन हो गया, 2 सर्जन का जुलाई में तबादला हो गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक कोई आई सर्जन नहीं दे पाए। हालात ये है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख की कहावत स्वास्थ्य विभाग पर चरितार्थ हो रही है। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रभु दयाल गुप्ता ने बताया कि वो नए हैं, लेकिन सर्जन न होने से समस्या है। सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि सर्जन नहीं है, लेकिन एनजीओ स्तर से संबंधित सीएससी पर मोतियाबिंद ऑपरेशन के कैंप लगाकर मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गोंडा से ब्यूरो चीफ हरिनारायण शुक्ला की ये रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। अपना अपना परिचय दीजिए कि आप जिला अस्पताल के जो नेत्र विभाग के अकेले डॉक्टर हैं। मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव है। मैं नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो अभी आपके से पहले कितने डॉक्टर थे, उनका तबादला कब हुआ, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आई? अभी कुछ दिनों पहले तो यहाँ पे करंट में जो है तो करीब 3 डॉक्टर थे यहाँ पे। एक आप लोग भी अवगत हैं कि डॉक्टर सेट्ठी साहब का देहांत हो गया जी। उसके बाद डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव और डॉक्टर संजय शर्मा। डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव का सिद्धार्थनगर ट्रांसफ़र हो गया, डॉक्टर संजय शर्मा का अमेठी ट्रांसफ़र हो गया। और इन लोगों का ट्रांसफ़र तो हुआ, लेकिन इनकी जगह पे कोई प्रतिस्थानी नियुक्त नहीं किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप किस जाड़े माह में गांव के तमाम लोग ऑपरेशन, लगभग कितने लोग ऑपरेशन कराते थे हर साल? हर साल मेरे यहाँ 2000 से ऊपर ही ऑपरेशन हो जाते थे। जो ऑपरेशन कराते थे गाँव ग्रामीण के लोग, उनको क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ देते थे? ऑपरेशन कराने वाले मरीजों उनका केवल 1 रुपये पर्चे का खर्चा आता था, बाकी उनकी जांचें फ्री, ऑपरेशन फ्री, ऑपरेशन के बाद उनको खाने और डालने की दवाइयाँ फ्री, काला चश्मा फ्री, ये सारी सुविधा उनको निःशुल्क प्रदान की जाती थी। और जब भर्ती थे तो भोजन पानी? हाँ, अगर पेशेंट यहाँ पे रुकता है तो उसकी डाइट भी यहाँ से मिलती थी, अस्पताल से डाइट भी मिलती थी। और उसे जो लेंस पढ़ना होता था, मान लीजिए हम सब निःशुल्क, हमारे यहाँ सरकारी लेंस आता है वो पढ़ता है, निःशुल्क। अब जब डॉक्टर साहब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आपके सर्जन, तो अब इस साल क्या लोग आते हैं आपके यहाँ, तो क्या जवाब, कैसे क्या करते हैं? अब जवाब में ये है कि पिछले कुछ दिनों से सीएमओ के अधीन एडिशनल सीएमओ डॉक्टर जय गोविंद साहब की पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन उनका प्रशासनिक कार्य इतना ज़्यादा है कि वो पूरी तरीके से समय यहाँ पे नहीं दे पाते। जिस दिन वो खाली होते हैं उस दिन आते हैं, तो जो भी एक आध ऑपरेशन वो करते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में समझ लीजिए सर्जन के ना रहने की वजह से डेली 20 से 30 पेशेंट ऐसे हैं जो मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं और वापस जाते हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता। ये पर डे 20 से 30 की स्ट्रेंथ होगी। जिला अन्नता निवारण समिति है, उसके तहत ये कि स्कूलों में भी आप पास चेक करें कैसे क्या होता है? नहीं, जो वो तो जो सीएमओ के अधीन प्रोग्राम चलता है उसमें ओल्ड जन की आंखें जांच की जाती है, और खासकर उसमें जो प्रोग्राम चलता है स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें स्कूल में जाके बच्चों की आँख जाँच करके अगर बच्चों की आँख कमज़ोर है तो उनको निःशुल्क चश्मा वहाँ पर दिया गया। तो ये कार्यक्रम क्या प्रभावित है कि नहीं प्रभावित? नहीं, ये कार्यक्रम तो वहाँ चल रहा है। ये काम डॉक्टर पहले भी नहीं करते थे जी। ये काम नेत्र परीक्षण अधिकारी के द्वारा होता है, तो लगभग जिस ब्लॉक में नेत्र परीक्षण अधिकारी पोस्ट है, मेरे ख्याल से 1-2-3 ब्लॉक छोड़ दिया जाए तो सभी पे पोस्ट है, वो सब अपना कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या मोतियाबिंद की है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहाँ? सबसे अगर ये बाहर जाएंगे तो क्या खर्चा पड़ जाता है लगभग? उनकी क्षमता से ज़्यादा जो वो बियर नहीं कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। नहीं, जैसे हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन मान लीजिए बाहर किसी अस्पताल में कराएं, समझिए वन पांडे के यहाँ किसी के यहाँ, तो लगभग कितना कास्ट पड़ जाता होगा? इसका फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं। लगभग इस लेंस लगवाएं मान लीजिए
कोई 18,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है। अब तो यहाँ तक हो गया कोई एक एक आँख के ऑपरेशन का 1,00,000 रुपये तक चार्ज कर रहा है। एक आँख के ऑपरेशन का 1,00,000 रुपये तक चार्जेस हो गया है। तो ये हमारे मरीज के बस की बात नहीं है, वो बियर नहीं कर सकते। ये आपका जो नेत्र परीक्षण का कितने लोग कराते, लोग लोग आते हैं यहाँ जब अभी सर्जरी काम नहीं हो रहा है, कुल नेत्र परीक्षण हो रहा है तब भी करीब 200 के ऊपर, 200 के ऊपर। अभी आपके पास लेंस सब रखे हैं जो आपस लेंस वगैरह सारी सुविधाएं, मशीन सब लेंस मशीन उपलब्ध है, लेंस उपलब्ध है, मेडिसिन उपलब्ध है, जो भी नहीं होता है नहीं होगा वो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा हमारे यहाँ स्टोर से, उसकी दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल सर्जन की पोस्टिंग की। थैंक यू सर। ओके अजय नवो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ पर आए हैं? हम भैया गांव कुरासी रुपेडी ब्लॉक से आए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम संतोष कुमार। यहाँ किस लिए आए हैं? सब खुला रहा तो क्या डॉक्टर? डॉक्टर नहीं है भैया, कहीं डॉक्टर न मिल पाए, कहूँ जायका लग कर आई लू, यहाँ डॉक्टर नहीं है। कब से डॉक्टर नहीं है? अभी नहीं, हमसे भैया परसों आए रहा तो एक रुपये पर्चे दिखा गया ना, आज फिर आए तो कहन की चले जाओ, कहूँ अलगट कराओ, यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं है? हाँ सर्जन नहीं है जो करते। ठीक, आप प्रमुख अधीक्षक साहब हैं, आपके जिला अस्पताल में जो आँख का शिक्षक है, आँख विभाग है, वहाँ पर कोई सर्जन नहीं है, 2,000 लोग कतार में हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन, तो उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही? जिला चिकित्सालय गोंडा में कोई आई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और इसके लिए एक ये काफ़ी दिन से ये स्थिति बनी हुई है, उसके लिए शासन से लिखा पढ़ी भी किया गया है। और सही बात है कि जो आँख के मरीज हैं उनको परेशानी हो रही है, आए दिन हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जैसे ही कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो सर्जरी कर सकता है उसकी उपलब्धता हो जाती है तो ये हम शुरू करेंगे, पहले भी ये कार्य होते रहे हैं, और जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएंगे ये सारा काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी। मैम, जो आपके जिला अस्पताल में 3 सर्जन थे, अब कोई सर्जन नहीं है, और उस जाड़े के महीने 2,000 लोग ऑपरेशन मोतियाबिंद का आँख का कराते थे, वो लोग आते हैं बैरम लौट जाते हैं, तो इस पर क्या आपकी तरफ से लिखा पढ़ी किया गया, क्या प्रयास हो गया? जिला अस्पताल में जुलाई माह से आई के सर्जन नहीं हैं, ओपीडी भी सफ़र कर रही थी, तो हमारे यहाँ KCMO हैं जिनको ओपीडी के लिए, तो हमने कह दिया है कि भाई ओपीडी के मरीज सारे देख लें। जहाँ तक सर्जरी की बात है कि जिला चिकित्सालय में मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, किंतु कार्य कुछ NGOs हैं जिनको इस चीज़ के लिए ऑपरेशन के लिए नामित किया गया है, और उनके कैंप्स लगा के वहाँ पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन उनके द्वारा कराए जा रहे हैं, और एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, लेकिन काफ़ी ऑपरेशन किए भी जा चुके हैं। फिर भी हमारी अपेक्षा सरकार से यही रहेगी कि हमारे पास अगर हमारे ज़िले में कम से कम एक आई सर्जन आ जाए तो यहाँ भी सुचारू रूप से मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो सके। मैडम, जो NGO द्वारा हो रहा है, लोग कैसे उनसे संपर्क करें, कैसे उनके पास पहुँचे, NGO के पास क्या करें? NGO के कैंप्स जब जब लगते हैं संबंधित CSC को इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ की NM वगैरह जो भी मरीज़ होते हैं या ऑप्टिमिस्ट जो हैं वो पहले से मरीजों को तैयार करके रखते हैं, एजेंट संस्था आती है वो ऑपरेट करके जाती है, और दवाइयाँ वगैरह सब दी जाती हैं, चश्मे वितरित किए जाते हैं CSC स्तर पर, जहाँ जहाँ कैंप्स लगते हैं। अच्छा, एक और समस्या, आशा बहू का भुगतान का क्या मामला है? आशा बहू का भुगतान हो रहा है, जो टेक्निकल इशू था अभी एक और मीडिया वाले आए थे उनको भी मैंने बताया कि जो FMS पोर्टल पे ये लोग फीड कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं पॉइंट टेक्निकल वो आ रहा था कि उसकी लिमिट नहीं शो हो रही थी, अगर लिमिट वहाँ से रिलीज़ हो जाती है NHM से तभी हम भुगतान कर पाते हैं, कुछ बीच में एक पॉइंट पर कमी आ रही थी, उस कमी को दूर कर दिया गया और भुगतान हो रहा है। लेकिन हाँ, ये अपेक्षा हम करेंगे कि हर महीने वो लोग समय से आशाओं का जो भी मानदेय बनता है वो भेजते रहें, ताकि टाइमली उनका भुगतान होता रहे, कोई भी पेंडेंसी ना बने। बता रहे मार्च से भुगतान नहीं हुआ, वो गलत बता रहे हैं। अच्छा। उनकी पासबुक देखिए तब आप बताइए। जी, पंडित कृपाल ने लोग उस दिन प्रदर्शन किया आशा बहू की, अब आप जाके बात करिए, 3 दिन हो गया उस चीज़ को जी, अब आप जाके पता करिए आशाओं से कि अपनी पासबुक अपडेट करा के देखें, वेतन चला जी। थैंक यू।